बॉल चर्च, कैसे हैं आप? मैं उम्मीद करता हूं कि आप प्रभु में आनंदित और मगन होंगे। मेरे प्रियों, क्या एक खूबसूरत समय है कि हम परमेश्वर के वचन की शिक्षा को ले सकते हैं। जल्दी से परमेश्वर के वचन की ओर हम लोग चलेंगे और हम देखेंगे लूका उसका नवा अध्याय उसके पहले दूसरे पद को देखेंगे और छठे पद को देखेंगे। ल्यूक चैप्टर 9 वर्सेस 1 एंड 2 एंड 6। फिर उसने बारहों को बुलाकर उन्हें सब दुष्ट आत्माओं और बीमारियों को दूर करने की सामर्थ और अधिकार दिया और उन्हें परमेश्वर के राज का प्रचार करने और बीमारों को अच्छा करने के लिए भेजा। अतः वे निकलकर गांव-गांव सुसमाचार सुनाते और हर कहीं लोगों को चंगा करते हुए फिरते रहे। Amen. This is so beautiful. ये कितना खूबसूरत है मेरे प्रभु में। फिर से देखेंगे यहाँ पे क्या लिखा है, वर्स 1। फिर उसने बारहों को बुलाकर उन्हें सब दुष्ट आत्मा और बीमारियों को दूर करने की सामर्थ और अधिकार दिया। और अधिकार दिया उसने बारहों को बुला करके, क्या किया? दुष्ट आत्माओं और बीमारियों को दूर करने की सामर्थ और अधिकार यहाँ पे दिया। एंड द फॉलोइंग वर्स नंबर 6। अतः वे निकल कर गांव-गांव सुसमाचार सुनाते और हर कहीं लोगों को चंगा करते हुए फिरते रहे। चंगा करते हुए फिर, ये कितना खूबसूरत है मेरे प्रियो। दिस इज सो ब्यूटीफुल। अभी जब यीशु मसीह संसार में आए थे मेरे प्रियो, तब यहाँ पे क्या सीन था? लोग अपने बंधनों में थे, लोग अपनी समस्याओं में थे, लोग अपनी बीमारियों में थे, लोग अपनी निराशाओं में थे, लोग अपने दुखों में डूबे हुए थे मेरे प्रियो। पर यीशु ने आकर के लोगों के जीवनों से उनके दुखों को दूर किया, उनकी समस्याओं को दूर किया। हम देखते हैं मेरे प्रियो कि जो बर्तिमाई था वो पिछले 40 साल से, अपनी पैदाइश के दिन से 40 साल से वो अंधा था। यीशु ने आकर के उसको चंगाई दी और वो देखने लगा। हम देखते हैं वो जन जो कि 38 साल से फालिश का मारा हुआ था, जो कि वहां पुल के किनारे बैठा रहता था, यीशु आ गया उसकी जिंदगी से। आफ्टर 38 लॉन्ग इयर्स, 38 लंबे सालों के बाद में उसको चंगाई मिलती। हम एक और को देखते जिसको 12 वर्ष से लहू बहने की बीमारी थी, जो कि अपनी सारी चीजों को व्यर्थ करने के बावजूद भी उसको कोई फायदा नहीं होता। यीशु आ गए और परिवर्तन आ गया। यीशु आ गए और परिवर्तन आ गया मेरे प्रियो। क्या ही खूबसूरत बात है। अभी तक के ये लोग अपने दुखों में थे, अपनी समस्याओं में थे, अपनी निराशाओं में थे, और अब क्या हो रहा है? यीशु ने आकर इनको चंगाई दी, इनको छुटकारा दिया, इनके दुखों से दूर किया, इनकी बीमारी से उनको बाहर निकाला, इनकी निराशाओं से उनको बाहर निकाला। एंड अब क्या हो रहा है? अब यीशु मसीह अपने चेलों को एक डिफरेंट प्लेटफॉर्म पे लेकर के जा रहे हैं। यीशु मसीह अपने चेलों को डिफरेंट प्लेटफॉर्म पे लेके जा रहे हैं। अभी तक के चेले जो थे अपनी जिंदगी के संघर्षों में थे, और वहां से यीशु मसीह ने उनको बाहर निकाला और अपने पीछे लेकर के चले, शिक्षाएं दी और अनुभव दिया। ढेर सारे आशीर्वाद दिखाने के बाद में, ढेर सारी शिक्षा दिखाने देने के बाद में, आज यीशु मसीह इनके जीवन को सर के ऊपर लेकर के आए हैं और अब वे डिफरेंट प्लेटफॉर्म पे लेके जा रहे हैं। अब एक आगे की ओर, एक अलग प्लेटफॉर्म पे लेकर के जा रहे हैं। और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है वर्स नंबर 1 में? और उन्हें सब दुष्ट आत्मा और अपने चेलों को बुला करके उन्हें सब दुष्ट आत्मा और बीमारियों को सारी बीमारियों को दूर करने की सामर्थ और अधिकार दिया। दिस इज सो ब्यूटीफुल। अभी तक के तो ये लोग अपनी समस्याओं में थे, अपने दुखों में थे, अपनी निराशाओं में थे, अपने आंसुओं में थे, अपने संघर्षों में थे, और ना सिर्फ यीशु ना करके उनके दुखों को दूर किया, इनकी बीमारियों को दूर किया, इनके दुष्टात्माओं को दूर किया, इनकी निराशाओं को दूर किया। पर अब यीशु इनके जीवन को एक डिफरेंट प्लेटफॉर्म पे लेकर जा रहे हैं, एक अलग सर के ऊपर लेकर के जा रहे हैं, और यीशु मसीह अब उनको सामर्थ दे रहे हैं और अधिकार दे रहे हैं। जाओ और जाकर के मेरे नाम से तुम दुष्टात्माओं को दूर करो और तुम बीमारों को चंगा करो। सब प्रकार की बीमारियां, सब प्रकार की दुष्टात्माओं को निकालो और सब प्रकार की बीमारियों को तुम जाकर के चंगा करो और राज के प्रचार को तुम करो जाकर के। And this is so beautiful. जब verse 6 में हम आते हैं तो वहाँ पे क्या पाते हैं? वहाँ पे क्या लिखा हुआ है? अतः वे निकलकर गांव-गांव सुसमाचार सुनाते जी? और हर कहीं जी? लोगों को चंगा करते जी? हुए फिरते रहे। जी, गांव-गांव गए, शहर-शहर गए, what was happening? क्या हो रहा था? और हर कहीं everywhere, ऐसी लिखा हुआ ना?
हर कहीं एवरीवेयर दे वेंट, जहां कहीं वो जा रहे थे चंगाइयां बह रही थी, छुटकारे बह रहे थे, आश्रय कर्म हो रहे थे, और बड़ा उत्साह था यहाँ पे। क्यों उत्साह था यहाँ पे? क्योंकि लोगों के जीवन में परिवर्तन आ रहा था, लोगों की जिंदगी में बदलाव आ रहा था, और उत्साह के साथ में चेले वापस लौटते, बड़े उत्साह के साथ में चेले वापस लौटते। और वहां पे 10वें अध्याय में ऐसा लिखा हुआ है कि लोग कि चेले 17वें पद में क्या लिखा हुआ है, वे 70 आनंद करते हुए लौटे और कहने लगे हे प्रभु तेरे नाम से दुष्ट आत्मा भी हमारे वश में है, हमारे वश में। सिर्फ यीशु ने उनको दे नहीं दिया, सिर्फ ऐसे झूठा वायदा नहीं कर दिया, दिलासा नहीं दे दिया, गए और जाके फेल हो गया, ना ऐसा नहीं था। जब यीशु ने वायदा किया और वो आगे बढ़ते और वो देखते जो कुछ पिता ने कहा, जो कुछ यीशु ने कहा, उन चीजों को अपनी जिंदगी में पूरा होते हुए देखते, और जब ये उत्साह के साथ में वापस लौट रहे, बड़े आनंद के साथ में वापस लौट रहे, प्रभु हम गए और हमने प्रार्थना की और बीमारियां ठीक होने पाई, हम गए हमने प्रार्थना की और प्रभु अंधे देखने पाए, गूंगे बोलने पाए, लंगड़े चलने पाए, और ना सिर्फ ये हुआ परमेश्वर, आपके नाम से तो दुष्ट आत्माएं भी हमारे वश में। चेले कितने आनंदित थे और कितने खुश हैं मेरे प्रियो इस बात से। हालेलुया। मेरे प्रियो, परमेश्वर के कार्य हमारी जिंदगी में सिर्फ इस बात तक सीमित नहीं रहते कि हम अपनी जिंदगी में अपनी समस्याओं से, अपने दुखों से, अपनी निराशाओं से हम सिर्फ बाहर निकल जाएं और एक आनंद जीवन को बिताने पाए और खुश रहने पाए, बस नहीं। मेरे प्रियो, परमेश्वर आपकी जिंदगी को एक और डिफरेंट प्लेटफॉर्म पे लेके जाना मांगते हैं, एक और डिफरेंट प्लेटफॉर्म पे लेके जाना मांगते हैं। आप उसके साथ में चलेंगे, हर कुजरों के बाद में परमेश्वर स्तर को बढ़ाते जाते हैं, हर कुजरों के बाद में परमेश्वर आपके आत्मिक स्तर को बढ़ाते जाएंगे, ऊंचा करते जाएंगे और ऊंचा करते जाएंगे। मेरे प्रियो, आपके स्तर के ऊपर अपनी जिंदगी में क्या इस बात से खुश है कि उसने आपको चंगाई दी, आपको छुटकारा दिया? Is that all? क्या सिर्फ आप यहीं पे खुश हैं या आप उसके साथ में आगे चलना मांगते हैं? या आप उसके साथ में आगे चलना मांगते हैं? मेरे प्रियो, ये वचन और ये शिक्षा उन लोगों के लिए जो कि अपनी जिंदगी में आगे की ओर बढ़ना मांगते हैं, जो कि अपनी जिंदगी में आगे की ओर जाना मांगते हैं। प्रभु यीशु मसीह ने यहाँ पे अपने चेलों को सामर्थ्य अधिकार दिया, और इस पद के द्वारा ना सिर्फ उसने इन चेलों को सामर्थ्य अधिकार दिया, पर अपने सारे चेलों को तब से लेकर के आ सके और आंदे के लिए भी उसने अपने सारे चेलों को सेम सामर्थ और सेम अधिकार उसने हमको दिया है। आमीन। सो आवश्यकता इस बात की है कि मेरे प्रियो, हम आगे बढ़े और सामर्थ को अपनी जिंदगी में लें और हम आगे एक विजय जीवन को जीने पाए। मेरे प्रियो, क्या हुआ कुछ दिनों पहले की बात है कि मैं एक दिन ऐसी मॉल गया हुआ था, और जब मैं मॉल जा रहा था तो मैंने देखा कि एक जवान लड़का, तकरीबन 22 साल की उसकी उम्र थी, वो लंबी सी बड़ी सी कार से वहाँ से उतरता है, और बड़ी महंगी कार थी, बड़ी खूबसूरत सी वो कार थी, और बड़े महंगे कपड़े वो पहने हुए था, हाथ में उसके पास में एक बड़ा महंगा सा मोबाइल फ़ोन था, और बड़े एटीट्यूड के साथ में वो चल रहा था। और जिस तरीके से वो निकला, जिस तरीके से आगे मूव करके वो जा रहा था, साथ में कुछ और लोग भी चल रहे थे, और वो कहने लगे, रईस बाप का बेटा है। हालेलुया। मेरे प्रियो, मुझे बताइए कि अगर आपके पिता के पास में बड़ी वाली कार होती तो क्या आप उससे नहीं चल रहे होते? अगर आपके पास में, आपके पिता के पास में इतने पैसे होते कि वो आपको बड़े महंगे और अच्छे कपड़े दिला सकता होता, तो क्या आप उनको नहीं पहन रहे होते? अगर आपके पिता के पास में इतने पैसे होते कि वो आपको महंगा वाला मोबाइल फोन और महंगी वाली चीजें दिला पाता, तो क्या हम उनको इस्तेमाल नहीं कर रहे होते? हाँ, जरूर से कर रहे होते। क्यों? क्योंकि जो कुछ पिता का होता है वो हमारा होता है, जो कुछ पिता का होता है वो हमारा होता है। क्या हम किसी चीज से परहेज करते? नहीं पिता, ये तो आपकी है, ये कार आपकी है, ये फल तो आप लेकर के आए थे, ये मिठाई तो आप लेकर के आए थे, ये टीवी तो आपका है, ये फ्रिज तो आपका है, ये स्कूटर तो आपका है। क्या हम ऐसा करते हैं? नहीं मेरे प्रियो, जो कुछ पिता का होता है वो हमारा होता है, जो कुछ पिता का होता है वो हमारा होता है, और हम उसके ऊपर पूरे अधिकार को रखते हैं, और हम उसके ऊपर पूरे अधिकार को लेते हैं। जितना अधिकार पिता का है उतने अधिकार हमारा होता है। जिस घर में पैदा हुए, जिस घर में हम पले बड़े हुए, वो घर हमारा था, और वो जितना हमारे पिता का था उतना वो हमारा था। आमीन। ऐसे होता ना, हम अपने पिता की चीजों को के ऊपर उतने अधिकार को रखते हैं जितना पिता की होती, और हमको लगता नहीं ये हमारी है, और हम उसको बिल्कुल अपने के तरीके से लेकर के चलते हैं। सो मेरे प्रियो, यदि अपने संसारिक पिता की चीजों को अपना समझते हैं तो अपने स्वर्गीय पिता से इतना व्यर्थ क्यों रखते हैं? अपने स्वर्गीय पिता की बातों को हम क्यों नहीं अपनाते? हम उसको क्यों नहीं अपना लेते? हम उसकी बातों को अपनाने से क्यों उतना कतराते? क्या वो हमारा पिता नहीं है?
और क्या हमारे संसारिक पिता से कहीं बड़ा पिता नहीं है? और क्या उसने हमसे कहीं कम मोहब्बत रखी है? क्या वो हमसे एक पिता के समान मोहब्बत को नहीं रखता? और क्या वो हमसे एक पुत्र के समान मोहब्बत को नहीं रखता? क्या हमने उसके प्रेम को नहीं देखा? क्या हमने उसके पिता के समान मोहब्बत को अपनी जिंदगी में अनुभव नहीं किया? क्या हमने अपनी जिंदगी में एक पुत्र के समान मोहब्बत को अनुभव नहीं किया? क्या हमने उसके प्रेम को अनुभव नहीं किया? क्या हमने उसकी क्षमा को अनुभव नहीं किया? क्या हमने उसकी दया को अपनी जिंदगी में अनुभव नहीं किया? मेरे प्रियो, किस तरीके से परमेश्वर हमारे साथ में पेश आते हैं, किस तरीके से पिता हमारे साथ में पेश आता है? क्या एक पापी के रूप में हमको देखता है, हमसे घृणा करता है, हमसे नफरत करता है? बार बार हम पाप करते हैं, बार बार हम भटक जाते हैं, कैसे वो देखता है हमको? बड़ी क्रूरता की निगाह से देखता है, हमको डंडे लगाता है? नहीं 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 मेरे प्रियो, परमेश्वर प्यार से हमको देखते हैं। परमेश्वर मोहब्बत से भरे हुए परमेश्वर है, और उसने हमको अपने बेटे के समान रखा है, उसने हमको अपने बेटे के समान रखा है, और उसने हमसे एक पुत्र के समान मोहब्बत रखी है, और उसने हमसे एक पुत्र के समान मोहब्बत रखी है। जब चेलों ने परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह से पूछा कि प्रभु हमको प्रार्थना करना सिखाइए, हमको कैसे प्रार्थना करनी है, तो उसने क्या प्रार्थना करना सिखाई, कैसे सिखाया? उसने कहा, हे परमेश्वर, ना हे पिता, तू जो स्वर्ग में, हे परमेश्वर तू जो स्वर्ग में, ऐसे प्रार्थना करना नहीं सिखाई। हे हमारे पिता, हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में। मेरे प्रियो, परमेश्वर ने जो आपसे रिश्ता रखा है वो एक पिता का रखा है, वो एक पिता के समान हमारी जिंदगी में पेश आता है, और जो वो पिता के समान हमारी जिंदगी में हमारे साथ में पेश आता है, सो हम क्यों हेजिटेट करते हैं? हम क्यों हिचकते हैं एक पुत्र होने में? हम क्यों चाहते हैं कि हम पुत्र होने पाए? हम क्यों नहीं इसकी बातों को अपनी जिंदगी में अपना लेते? हम क्यों नहीं उसको अपनी जिंदगी में पिता के रूप में देख पाते? हम क्यों अभी तक के उसको हम एक परमेश्वर के रूप में देख रहे हैं? हम क्यों उसको सिर्फ एक राजा के रूप में देख रहे हैं? हम क्यों उसको दूरी से देखते हैं? हम क्यों उसको सिर्फ दूर से अनुभव करते? हम उसकी निकटता में क्यों नहीं आ जाते? हम उसके करीब क्यों नहीं आ जाते? हम एक पुत्र के समान उसकी गोद में जाके क्यों नहीं बैठ जाते, और उसको पिता के समान अपनी जिंदगी में क्यों नहीं अनुभव करते? मेरा प्रियो, जो कुछ वो एक पिता के समान हमको देना चाहता है, हम क्यों नहीं उसको ले लेते? जब अपनी जिंदगी में हमको छुटकारा चाहिए होता है, चंगाई चाहिए होती, हम कहते हैं प्रभु अपनी सामर्थ को रिलीज करे, हमारी जिंदगी में प्रकट करे और हमको छुटकारा दे। पर जब वही सामर्थ को वो हमको देना चाहता है कि हम आगे बढ़ के दूसरों को जाके छुए, हम क्यों हेजिटेट करते हैं? हम क्यों पीछे जाते हैं? प्रभु यीशु मसीह यहाँ पे अपने चेलों को सामर्थ दे रहे हैं, प्रभु यीशु मसीह यहाँ पे अपने चेलों को अधिकार दे रहे हैं, और न सिर्फ इन चेलों को सामर्थ्य अधिकार दे रहे हैं, पर इन चेलों के साथ में वो हमको और आपको और प्रत्येक पूरे संसार में प्रत्येक विश्वासी को वही सामर्थ्य और वही अधिकार दे रहा है, वही सामर्थ्य और वही अधिकार दे रहा है। और मेरे प्रियो, मैं आपसे कहना चाहता हूं जैसा अधिकार आपने अपनी पिता की चीजों के ऊपर रखा है, और जैसा अधिकार आप अपनी संसारिक पिता की चीजों के ऊपर आज रखते हैं, होने पाए कि आज के संदेश के बाद में आप अपने स्वर्ग के पिता की चीजों के ऊपर भी उसी प्रकार से अधिकार से आप आगे की ओर बढ़ नहीं पाए, उसी प्रकार से आप आगे की ओर बढ़ नहीं पाए। मेरे प्रिय, हम प्रभु यीशु मसीह के पास में आए, हम परमेश्वर के पास में आए, हम दुखों में थे, हम समस्याओं में थे, हम बीमारियों में थे, उसने हमको छू करके चंगा कर दिया, और हमको लगा कि वो तो सिर्फ चंगा करने वाला परमेश्वर है, राइट? उसने हमारी निराशा में हमारी सहायता की, और हमको लगा वो तो हमको सिर्फ निराशा में हमारी सहायता करने वाला परमेश्वर है। उसने हमको छुटकारा दिया, और हमको लगा कि ये तो सिर्फ छुटकारा देने वाला परमेश्वर है। उसने हमको उधार दिया, और हमको लगता है ये तो उधारकर्ता परमेश्वर, तो सिर्फ उधारकर्ता परमेश्वर। उसने हमारी आवश्यकताओं को पूरा किया, और हमको लगता है कि ये तो सिर्फ आवश्यकता को पूरा करने वाला परमेश्वर है। पर नहीं मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह सिर्फ चंगाई को देने वाले परमेश्वर नहीं, वो सिर्फ चंगा करने वाला परमेश्वर नहीं है, वो हमारा पिता है। वो सिर्फ छुटकारा देने वाला नहीं मेरे प्रियो, वो हमारा पिता है। वो सिर्फ उद्धार देने वाला नहीं मेरे प्रियो, वो हमारा पिता है। वो सिर्फ हमको हमारी जिंदगी में हमारी चीजों को मुहैया कराने वाला परमेश्वर नहीं, वो सिर्फ हमारा प्रोवाइडर नहीं है, पर वो हमारा पिता है। हालेलुया, मेरे प्रियो, होने पाए कि हम उसको पिता के रूप में जाने पाए। हो सकता है मेरे प्रियो आप उसको और रूप में जानते हो, आप उसको चंगा करने वाले के रूप में देखते हो, आप उसको छुटकारा देने वाले के रूप में देखते हो, आप उसको मुहैया कराने वाले के रूप में देखते हो, आप उसको उद्धारकर्ता परमेश्वर के रूप में देखते हो, पर मेरे प्रियो आवश्यकता इस बात की है कि आप उसको पिता परमेश्वर के रूप में अपनी जिंदगी में अनुभव करने पाए, आप उसको पिता के रूप में अपनी जिंदगी में अनुभव करने पाए। और मेरे प्रियो, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि जब तक के आप उस परमेश्वर को एक पिता के रूप में अनुभव नहीं करेंगे, आप ढेर सारी बातों को कभी समझ नहीं पाएंगे, आप वचन की ढेर सारी बातों को आप कभी नहीं समझ पाएंगे, जब तक के आप उसको पिता के रूप में अपनी जिंदगी में अनुभव नहीं करेंगे।
हो सकता है मेरे प्रिय आप खुश हो, आप आनंदित हो उस छुटकारे से जो यीशु आपके जीवन में लेके आया। आप बहुत आनंदित हो और बहुत मगन हो और आप उसी में सैटिस्फाइड हो और आप उसी में संतुष्ट हो मेरे प्रियो। कोई बात नहीं, आप वहीं तक रुक सकते हैं, पर मेरे प्रियो अगर आप जिंदगी में आगे बढ़ना चाहते हैं, अगर आप परमेश्वर को समझना चाहते हैं, अगर आप वचन की गहराई में उतरना चाहते हैं, अगर आप वचन को समझना चाहते हैं, तो बहुत जरूरी है कि आप परमेश्वर को उस पिता के रूप में देखने पाए, उस पिता के रूप में देखने पाए, उस पिता के रूप में जो कि अपनी चीजों को अपने बेटे को दे देना चाहता है, जो कि अपनी चीजों को अपने बेटे को दे देना चाहता है। जैसे एक पिता अपने बेटे को अपना सब कुछ दे देता है, जैसे एक पिता अपने बच्चों को अपना सब कुछ दे देता है, वैसे ही हमारा स्वर्गीय पिता भी अपनी सारी विरासत को, अपनी सारी चीजों को हमको दे देना मांगता है। क्यों सामर्थ्य देना मांगता है, क्यों अधिकार देना मांगता है, ऐसे क्यों नहीं छोड़ देना मांगता, सामर्थ्य अधिकार अपने पास में रख के बस हमको ऐसे क्यों नहीं रख देना मांगता, वो क्यों सामर्थ्य देना मांगता। इसलिए सामर्थ्य देना मांगता है मेरे प्रियो, क्योंकि वो सब उसको बिलोंग करता है, वो सब उसका है और वो अपने बच्चों को देना चाहता है और वो चाहता है कि उसके बच्चे उस सामर्थ्य में मूव करने पाए, उन चीजों के साथ अपनी जिंदगी को बिताने पाए जो कि उसकी अपनी है। वो चाहता है कि उसके बच्चे उस सामर्थ्य में मूव करें, उस अधिकार में मूव करें, वो सामर्थ्य और वो अधिकार जो कि पिता परमेश्वर का है। जैसे एक संसारिक पिता चाहता है, जैसे एक संसारिक पिता चाहता है कि उसके बच्चे उसकी चीजों को अपनी जिंदगी में अपनाने पाए, उसकी जिंदगी का फायदा उठाने पाए। मेरे पास में बड़ी कार है, तुम उसको लेकर के जा सकते हो, राइट? मेरे पास में ये चीजें हैं और तुम उनको लेके जा सकते हो। मेरे पास में क्रेडिट कार्ड है और तुम उनको लेके जा सकते हो। मेरे पास में बड़ा मोबाइल फोन है और वो तुम्हारे लिए मेरे बच्चे, तुम उसको इस्तेमाल कर सकते हो। वैसे ही हमारा स्वर्गीय पिता जो कुछ उसका है वो अपने बच्चों को दे देना चाहता है। वचन में ऐसे लिखा हुआ है, ना सिर्फ उसने हमको बेटा बनाया है पर उसने हमको वारिस भी ठहराया है, ना सिर्फ उसने हमको बेटा बनाया है पर उसने हमको वारिस भी ठहराया है और संगी वारिस, यीशु के साथ में संगी वारिस। क्या आप इस वचन पे विश्वास करते हैं? क्या मेरे प्रियो आप इस वचन पे विश्वास करते हैं? और क्या आप यीशु के साथ में संगी वारिस होने को तैयार हैं? और क्या आप चाहते हैं कि आप तैयार इस बात के लिए कि जिस समय ये विरासत मिलेगी, जिस समय परमेश्वर इन चीजों को देंगे, आप कहेंगे नहीं प्रभु ये तो आपकी, ये हम नहीं लेंगे। क्या आप उस समय चीजों को नहीं लेंगे? क्या आप तैयार उन चीजों को लेने के लिए? अगर आप तैयार उन चीजों को लेने के लिए तो यहां पर आप तैयार हो। परमेश्वर वो चीजें जो कि उसको बिलोंग करती हैं वो अपने बच्चों को दे देना मांगता है। जो चीजें उसकी है मेरे प्रियो वो अपने बच्चों को दे देना मांगता है। हालेलुया। और क्यों दे देना मांगता है, क्यों दे देना मांगता है, राइट? हम देखेंगे परमेश्वर के वचन में पद को, व्यवस्था विवरण उसका 8वां अध्याय उसके 18वें पद को हम लोग देखेंगे। हालेलुया। क्या होता है मेरे प्रियो कि हम लोग को हम अपना जीवन इस प्रकार से परमेश्वर के साथ में चलना पसंद करते हैं कि हमें लगता है कि प्रभु जब कभी भी हमको कोई आवश्यकता हो हम बस आपके पास में आए और हम आपसे कहें और आप उसको पूरा कर दें। हम चाहते हैं हमारे जीवन ऐसे में हमने प्रभु को जान लिया, हमने परमेश्वर को पहचान लिया, हम परमेश्वर की निकटता में, अब जब कभी हमारे पास में कोई दिक्कत होगी हम प्रभु के पास में आए और प्रभु से कहें और प्रभु कहें ओके ग्रांटेड हो गई। जब कभी कोई प्रॉब्लम है, जब कभी कोई दिक्कत है, जब कभी कोई समस्या है, हम बस ये चाहते हैं कि हम दौड़ करके, हम भाग करके परमेश्वर के पास में आ जाएं और उसके सामने रख दें और परमेश्वर कहे ओके ग्रांटेड ठीक है पूरी हो गई, बहुत अच्छी बात है मेरे प्रियो, बहुत अच्छी सोच है आपकी, पर मेरे पिता की सोच आपकी सोच से कहीं बेहतर है। पिता की सोच आपके पिता की सोच से कहीं बेहतर है। आप ऐसा चाहते हैं, वेरी गुड, परमेश्वर चीजों को ऐसे भी कर सकते मेरे प्रियो, पर उसकी सोच आपकी सोच से कहीं ऊपर है और हम देखेंगे उसकी सोच क्या है। डिटरनॉमी व्यवस्था विवरण उसका 8वां अध्याय उसके 18वें पद को देखेंगे, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। परंतु तू अपने परमेश्वर यहोवा को स्मरण रखना, परमेश्वर यहोवा को स्मरण रखना क्योंकि वही है जो तुझे संपत्ति देता है। पूरी वर्ष को पढ़े क्या लिखा हुआ यहाँ पे, क्योंकि वही है जी? जो तुझे संपत्ति प्राप्त करने की सामर्थ इसलिए देता है जी? कि जो वाचा उसने तेरे पूर्वजों से शपथ खाकर बांधी थी जी? उसको पूरा करे जी? जैसा आज प्रकट है। जो शपथ उसने खाई थी मेरे प्रिय, ये सारी बातें आप इसलिए अनुभव कर रहे होते क्योंकि उसने शपथ खाई हुई है।
उसने शपथ खाई हुई है और उस शपथ को पूरा करना चाहता है। जो उसने शपथ खाई है आपके जीवन में पूरा करने के लिए, जो कवनेंट उसने आपसे बांधा है, जो वाचा उसने आपसे बांधी है, वो उस वाचा को पूरा करना चाहता है। जो वाचा उसने अब्राहम से बांधी है मेरे प्रियो, उस वाचा को वो हमारी जिंदगी में पूरा करना चाहता है। ढेर सारी बातें हमारी जिंदगी में इस वजह से हो रही होती है क्योंकि परमेश्वर ने अब्राहम से एक वाचा बांधी है, क्योंकि परमेश्वर ने हमसे एक वाचा बांधी और उस वाचा के अनुसार वो हमारी जिंदगी में कार्य करना मांगता है। आप जो सोचते रहे बहुत अच्छा सोच रहे हैं, आपकी जो सोच है, आपकी जो कल्पना है, इट इज गुड, बहुत अच्छी बात है। पर मेरा प्रियो, वाचा तो कुछ और बातों के लिए बंधी हुई है। प्रॉमिस से कुछ और चीजों के लिए किया गया है, अब्राहम से कुछ और चीजों का वादा किया गया था। आपसे जो परमेश्वर ने वाचा बांधी उस वाचा में तो बहुत कुछ आता है और वो उसको पूरा करना चाहता है और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, स्टार्टिंग से पढ़ेंगे हम, फिर से क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, परंतु तू अपने परमेश्वर यहोवा को स्मरण रखना। याद रखिये परमेश्वर को, उसकी बातों को स्मरण रखे। आप उसको ओझल मत होने दे, ज्ञान आपको मिल रहा है, जो शिक्षा आपको आप प्राप्त कर उसको सामने रखे जी, क्योंकि वही है जो तुझे संपत्ति प्राप्त करने की सामर्थ, वही है जो तुझे संपत्ति देता है। ऐसे लिखा है ना, ऐसे लिखा हुआ, संपत्ति प्राप्त करने की सामर्थ, क्या लिखा हुआ, वो तुझे संपत्ति देता है क्योंकि वही है जो तुझे संपत्ति देता है। ऐसा लिखा हुआ है नहीं, यहां क्या लिखा हुआ है, वही है तुझे संपत्ति प्राप्त करने की सामर्थ, सामर्थ देता है। ना सिर्फ वो देता है पर उसकी सामर्थ दे रहा है, ना सिर्फ वो चंगाई देता है पर चंगाई प्राप्त करने की सामर्थ भी देना चाहता है, राइट। ना सिर्फ वो छुटकारा देता है पर छुटकारा प्राप्त करने की सामर्थ भी देना चाहता है। हालेलुया, ना सिर्फ छुटकारा देता है पर छुटकारा प्राप्त करने की सामर्थ भी देना चाहता है। मेरे प्रिय, वो ये नहीं चाहता कि एवरी टाइम दिक्कत हो और हम दौड़ते हुए, हम भागते हुए, हम रोते हुए, गाते हुए, हम जल्दी से कूद करके उसकी गोद में पहुंच जाए और कहे प्रभु हमको बड़ा डर लग रहा है, हमको बचा लीजिए, प्रभु ये बीमारी आ गई, हमको बड़ा डर लग रहा है, अब क्या होगा, प्रभु ये समस्या आ गई, हमको बचा लीजिए, प्रभु गोलियत हमको डरा रहा है, अब क्या होगा, प्रभु लाल समुद्र के सामने हम खड़े, अब क्या होगा, प्रभु हमको शेर की मान में फेंकने वाले, अब क्या होगा, प्रभु हमको आग की भट्टी में फेंकने वाले, अब क्या होगा, हम डरते हुए कांपते हुए परमेश्वर के पास में भागते हुए चले। नहीं, परमेश्वर हमको ऐसा नहीं बनाना मांगते। परमेश्वर अपने बच्चों को डरता हुआ और कांपता हुआ और दौड़ करके उसकी गोद में आकर के कूदने वाला बच्चा नहीं बनाना मांगते। परमेश्वर आपको डिफरेंट प्लेटफॉर्म पर लेके जाना चाहते हैं, आपको सामर्थ में और अधिकार में मूव करते हुए देखना चाहते हैं, आपको सामर्थ में अधिकार में मूव करते हुए देखना चाहते हैं। यस, वो ढेर सारे लोगों को चंगाई दे रहा था, ढेर सारे लोगों को छुटकारा दे रहा था और वो आइंदा भी कर सकता था, वो स्वर्ग में बैठ करके एक बार में सारी लोगों के प्रार्थना को सुन करके एक साथ भी जवाब दे सकता है। ही कैन डू इट, वो परमेश्वर है और वो कर सकता है। पर क्या एक खूबसूरत बात है मेरे प्रियो, कि वो आपको और हमको इस्तेमाल करके उस जगह पे लेकर क्या आता है, जहां पे हम विजय प्राप्त करना सीखने पाए, राइट। तो अपने पिता परमेश्वर को स्मरण रखना, तो अपने परमेश्वर यहोवा को स्मरण करना, क्योंकि वही है जो तुझे संपत्ति प्राप्त करने की सामर्थ वही है जो तुझे सामर्थ देता है, वही है जो तुझे अबिलिटी देता है, वही है जो तुझे योग्यता देता है, वही है जो हमको सिखाता है कि हमको कैसे आगे बढ़ना है, वही है जो हमको सिखाता है कि हमको विजयी जीवन कैसे प्राप्त करना है, छुटकारे में कैसे बने रहना है, चंगाई में कैसे बने रहना, उद्धार में कैसे बने रहना, विजय में कैसे बने रहना। एवरी टाइम दिक्कत है और हम दौड़ करके रोते गाते हुए थरथराते हुए कांपते हुए यीशु की गोद में जाके बैठ जाए, नहीं मेरे प्रियो, परमेश्वर चाहते हैं उसके बच्चे उसकी तरीके से देखने पाए। आमेन, हालेलुया। वो 20-22 साल का लड़का जब अपने पिता की कार को लेकर के बाहर निकला होगा तो पिता को फक्र हुआ होगा, खुशी हुई होगी, मेरा बेटा है। और मैंने इसीलिए कमाया कि मेरा बेटा जो है इन चीजों का आनंद को उठाने पाए। आमेन, हालेलुया। मेरे प्रियो, परमेश्वर भी चाहते हैं कि आप उसकी चीजों को एंजॉय करने पाए, जो सामर्थ उसकी है, जो अधिकार उसका है, आप उसको चार करने पाए। हालेलुया। आपको याद होगा कुछ दिनों पहले हम लोग मनन कर रहे थे इस बात के ऊपर कि यीशु ने पत्र से कहा कि मैं तुमको कुंजियां दूंगा, याद है, यीशु ने पत्र से कहा था मैं तुम्हें कुंजियां दूंगा। क्यों कुंजी देना मांगता है, राइट। वो आपको कुंजी देना मांगता है मेरे प्रियो, ताकि आप उसको इस्तेमाल करके उन तालों को अपनी जिंदगी में खोल ले पाए जो कि बंद पड़े हुए, हालेलुया, हालेलुया। पिता की खुशी होती है कि उसके बच्चे उसके तरीके से दिखने पाए, पिता की खुशी होती है कि उसके बच्चे उसके तरीके से दिखने पाए। हालेलुया।
यीशु ने उन चेलों को बुला करके उनको सामर्थ और अधिकार दिया और कहा जाओ जाओ गांव गांव जाओ शहर शहर जाओ और सारी बीमारियों को चंगा करो और सारी दुष्ट आत्माओं को बाहर निकालो, सारी बीमारियों को चंगा करो और सारी दुष्ट आत्माओं को तुम निकालो। क्यों ऐसा किया? क्यों ऐसा किया? आपको पता है क्यों ऐसा किया? इसलिए ऐसा किया मेरे प्रियो क्योंकि परमेश्वर एक फर्क को पैदा करना चाहते हैं, क्योंकि परमेश्वर एक फर्क को पैदा करना चाहते हैं। क्यों वो चाहता है कि हम सामर्थ को प्राप्त करें? क्यों वो चाहता है कि हम सामर्थ में और अधिकार में मूव करने पाए? इसलिए क्योंकि परमेश्वर चाहते हैं कि उसके लोगों में और संसार के लोगों में एक फर्क होने पाए, उसके लोगों में और संसार के लोगों में एक फर्क होने पाए। क्यों? वो खुद भी सारी प्रार्थना को सुन के उत्तर दे सकता है, वो सारा सामर्थ अधिकार अपने पास में रख सकता है और कोई दिक्कत हो वो सबकी प्रार्थना को सुन करके उनको उसको उत्तर देने में सामर्थ्य परमेश्वर है। पर वो हमको इसलिए देना चाहता है, वो हमको इसलिए देना चाहता है ताकि एक डिस्टिंक्शन आने पाए, एक फर्क आने पाए उसके लोगों में, उसके लोगों में और संसार के लोगों में। हालेलुया, हालेलुया। यू नो मेरे प्रियो, हम लोग तो हर समय ये चाहते हैं, हमारी प्रार्थना तो हर समय ये रहती है, प्रभु आपने उनको ये दिया और हमको ये दिया, हम उनके समान होना मांगते हैं, हम उनके समान होना मांगते हैं, प्रभु उनके उनके पास में ऐसा है और हमारे पास में ऐसा नहीं है और हम चाहते हैं हम यहाँ पे आने पाए और हम भी संसार के तरीके से निकल के आने पाए। हम हर समय अपनी तुलना संसार के साथ में कर रहे होते हैं, हम हर समय अपनी तुलना संसार के साथ में कर रहे होते हैं और हम हर समय चाहते हैं कि हम उनके समानता में निकल कर क्या आने पाए। पर मेरे पियो, ढेर सारी बार परमेश्वर ने आपकी प्रार्थना को सुनकर के उत्तर नहीं दिया। क्यों नहीं दिया? इसलिए क्योंकि वो आपको संसार के साथ में समानता मिला के खड़ा नहीं करना मांगता, वो आपको संसार के साथ में फर्क मिला के खड़ा करना मांगता है। वो संसार के साथ में आपको समानता मिला के खड़ा नहीं करना मांगता, आपको फर्क मिला के खड़ा करना मांगता है। वो चाहता है कि उसके लोगों में और संसार के लोगों में एक फर्क होने पाए। क्यों सामर्थ देना चाहता है? क्यों अधिकार देना चाहता है? क्योंकि उस डिस्टिंक्शन को लेकर आ रहा है, उस फर्क को लेकर के आ रहा है। आमीन, उस फर्क को लेकर आ रहा है जो संसार के लोगों में है और जो उसके लोगों में है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रियो, हम लोग बड़े विशेष समय में चल रहे हैं, हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट टाइम में इस समय चल रहे हैं। जो कुछ भी हमारे सामने इस समय हो रहा है, जो कुछ भी इस समय हमारे चारों ओर हो रहा है, हम एक बहुत विशेष समय में चल रहे हैं। और आपको मालूम इस समय क्या हो रहा है? हाँ, आपको मालूम इस समय क्या हो रहा है? इस समय मेरे प्रियो, परमेश्वर जो है वो परिवर्तन को लेकर के आ रहे हैं, एक बड़े मेजर शिफ्ट को लेकर के आ रहे हैं, चीजों में एक बड़े परिवर्तन को लेकर के आ रहे हैं। आप चीजों को कैसे देखते हैं? डर रहे हैं? थरथरा रहे हैं? खौफ में हैं? मृत्यु दिखाई दे रही है? विनाश दिखाई दे रहा है? आप चीजों को कैसे देखते हैं? आप चीजों को कैसे देखते हैं? वैसे ही जैसे संसार देख रहा है या वैसे जैसे परमेश्वर के लोग देख रहे हैं? आज के समय की परिस्थितियों को, आज के समय के हालातों को आप कैसे देखते हैं? वैसे जैसे संसार देख रहा है, जैसे परमेश्वर के लोगों को देखना चाहिए? क्या थरथरा रहे हैं? क्या आप डर रहे हैं? क्या मृत्यु को खौफ है? डरे हुए समय, अरे प्रभु क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है? परमेश्वर एक शिफ्ट को लेकर के आ रहे हैं, एक परिवर्तन को लेकर के आ रहे हैं, एक बड़े बदलाव को लेकर के आ रहे। जैसे चीजें अब तक के चल रही थी, परमेश्वर एक मेजर परिवर्तन को लेकर के आ रहे। और आपको मालूम वो मेजर परिवर्तन क्या है? प्रभु यीशु मसीह ने हमसे बताया था, तो हम लोग साल की शुरुआत कर रहे थे, पहले जनवरी को, फर्स्ट जनवरी को उसने प्रॉमिस दिया था, उसमें उसने बताया था, उसने कहा था कि ना सिर्फ ये एक नया साल है, पर हम लोग एक नए दशक में प्रवेश कर रहे हैं और ये जो आने वाला दशक है ये उस पहचान का, ये एक फर्क पहचान का दशक होगा, ये डेकेड ऑफ डिस्टिंक्शन होगा, ये एक फर्क पहचान का दशक होगा जिसमें परमेश्वर के लोगों की एक पहचान फर्क तरीके से दिखाई देगी। परमेश्वर के लोगों की पहचान एक फर्क तरीके से दिखाई देगी। जब मैं परमेश्वर के सम्मुख ठहरा था और मैं उससे पूछ रहा, प्रभु क्या है इस आने वाले साल के लिए, परमेश्वर ने कहा जैसे सद्रक मिशक अबेदनगो के साथ में हुआ, जब उस आग की भट्टी से बाहर निकल कर के आए, लोग उनको फर्क तरीके से देखते थे, लोग उनको फर्क तरीके से देखते थे। जब वो आग की भट्टी से बाहर निकल कर के आए, लोग उनको फर्क तरीके से देखते थे। परमेश्वर ने कहा वही फर्क मैं लेकर के आ रहा हूं, वही डिस्टिंक्शन मैं लेकर के आ रहा हूं, लोग मेरे लोगों को फर्क तरीके से देखेंगे, मेरे लोग अब फर्क तरीके से दिखाई देने जा रहे हैं। और मेरे प्रिय, परमेश्वर उसी काम को कर रहे हैं, उसी काम को कर रहे हैं। आपको क्या दिखाई दे रहा है? आपको क्या दिखाई दे रहा है? आपको निविनाश दिखाई दे रहा है? आपको हानि दिखाई दे रही है? आपको बीमारी दिखाई दे रही है? आपको 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 डिस्ट्रक्शन दिखाई दे रहा है, या आपको परमेश्वर का हस्तक्षेप दिखाई दे रहा है,
या आपको परमेश्वर का हस्तक्षेप दिखाई दे रहा है। मेरे प्रियो, संसार में किसी भी चीज को हम परमेश्वर को माइनस करके नहीं देख सकते, हम परमेश्वर को सीन से हटा करके हम इस बीमारी को, इस दिक्कत को नहीं देख सकते। मालूम क्या हो रहा है संसार में? पूरा संसार अपने घुटनों पे है इस समय और वो पश्चाताप कर रहा है। पूरा संसार, पूरब से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण, लोग अपने घुटनों पे आकर के पश्चाताप कर रहे हैं। लोग अपनी गलतियों को स्वीकार कर रहे, अपने पापों को मान रहे और उनको छोड़ करके वायदा कर रहे, परमेश्वर के साथ में उस कमिटमेंट में जा रहे कि प्रभु हमसे गलतियां हुई हमें क्षमा करें, हम पर दया करें, जो गलतियां हमने की उसको क्षमा करें, प्रभु अपनी निकटता में हमको ले लें। पूरा संसार इस समय अपने घुटनों पे है और वो प्रार्थना कर रहा है और परमेश्वर के सम्मुख पश्चाताप कर रहा है। आपको मालूम जब लोग पश्चाताप करते हैं तब क्या होता है? जब लोग पश्चाताप करते हैं तब क्या होता है? हाँ, परमेश्वर क्षमा कर देते हैं, परमेश्वर क्षमा कर देते हैं। हालेलुया। और ना सिर्फ क्षमा करते हैं पर उसके बाद में एक अलग सर आता है, उसके बाद में एक अलग सर आता है। आपको मालूम क्या हुआ जब उड़ाव पुत्र वापस आया? आपको मालूम क्या हुआ जब उड़ाव पुत्र वापस आया? ढेर सारे उड़ाव पुत्र समय वापस आ रहे हैं, उड़ाव पुत्र वापस आ रहा है। आपको कोरोना वायरस दिखाई दे रहा है या आपको उड़ाव पुत्र वापस आते हुए दिखाई दे रहे हैं? What do you see, my dear friends? आप क्या देख रहे हैं? आप वो देख रहे हैं जो संसार देख रहा है या आप वो देख रहे हैं जो परमेश्वर कर रहे हैं? परमेश्वर के जन होने की हैसियत से क्या आप चीजों को देखते हैं या संसार की निगाहों से आप चीजों को देख रहे हैं? What do you see, my dear friends? आप क्या देख रहे हैं? आप क्या देख रहे हैं? आप मृत्यु को देख रहे हैं, आप हानि को देख रहे हैं, आप नुकसान को देख रहे हैं, कल क्या होगा, कल क्या होगा, आप उसको देख रहे हैं या परमेश्वर के पुत्र को वापस आते हुए देख रहे हैं? आप उस उड़ाव पुत्र को वापस आते हुए देख रहे हैं? ढेर सारे उड़ाव पुत्र जो है वो वापस आ रहे हैं और वो पश्चाताप कर रहे हैं, प्रभु हमने आपके सम्मुख पाप किया है, पिता हमने आपके सम्मुख पाप किया है, आप हमें क्षमा करें, आप हम पे दया करें। और आपको मालूम जब उड़ाव पुत्र वापस आया, जब उसने क्षमा को मांगा, तब क्या हुआ? परमेश्वर ने क्या किया उसको? क्या किया उसको? बहुत चुमा, उसको गले से लगाया, उसको बहुत चुमा, और उसने क्या किया? उसको नया वस्त्र दिया और उसको नई जूती दी और उसको उसने अंगूठी दी, अधिकार दिया, अधिकार दिया। ये मैं तीन विशेष बातें उसने कि हम इसके ऊपर चर्चा कर चुके हैं और हम उनके ऊपर दोबारा से चर्चा नहीं करेंगे। ये बड़ा पुत्र वापस आया, उसको नया वस्त्र मिलने पाया, उसको पैरों में चप्पल मिलने पाए और उसको अंगूठी मिलने पाए जो कि अधिकार की अंगूठी दी। हालेलुया। मेरे प्रियो, ढेर सारे उड़ाव पुत्र वापस आ रहे हैं, ढेर सारे उड़ाव पुत्र जो है वो वापस आ रहे हैं और एक बड़े परिवर्तन का समय आ रहा है, एक बड़े रिवाइवल का टाइम आने जा रहा है। आपको क्या दिखाई दे रहा है? आपको क्या दिखाई दे रहा है मेरे प्रियो? क्या वो देख रहे हैं जो संसार देख रहा है या वो देख रहे हैं जो परमेश्वर कर रहे हैं, या वो देख रहे हैं जो परमेश्वर के लोग कर रहे हैं? एक बड़े परिवर्तन का समय आ रहा है मेरे प्रियो। परमेश्वर अपने लोगों में और संसार के लोगों में एक मेजर डिस्टिंक्शन को लेकर के आ रहे हैं, एक बड़े फर्क को लेकर के आ रहे हैं, एक बड़े फर्क को लेकर आ रहे हैं। जब उसके लोग अपने घुटनों को टेकते हैं, अपने अपने हाथों को उठाते हैं और जब वो आंसू के साथ में उसके सामने पश्चाताप करते हैं मेरे प्रियो, एक बड़ा परिवर्तन आता है, एक बड़ा परिवर्तन आ रहा है और वो आने जा रहा है। उसने कहा था कि ये वो दशक है, ये वो साल है जो कि खटखटाने वाला साल होगा और हम देख रहे हैं ढेर सारे लोग खटखटा रहे हैं। उसने कहा था ये दशक जो ये परिवर्तन का दशक होने पाएगा, एक डिस्टिंक्शन का दशक होने पाएगा जहां पे उसके लोगों की एक डिफरेंट पहचान होगी। और अगर परमेश्वर ने आने में दे रखी मेरे प्रियो, परमेश्वर एक बड़े परिवर्तन को लेकर आने जा रहे हैं और उसके लोगों की एक नई पहचान होने जा रही है, क्योंकि उसके लोग उस सामर्थ्य में और उस अधिकार में मूव करने जा रहे हैं, उस सामर्थ में और सदकार में मूव करने जा रहे हैं। आमेन। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर एक विशेष काम को कर रहे हैं, परमेश्वर एक विशेष काम को करें मेरे प्रिय। आप तैयार हो, आप आगे बढ़ें और आप इस सामर्थ को और सदकार को अपनी जिंदगी में ले लें मेरे प्रियो, क्योंकि ये वो सामर्थ है और ये वो अधिकार है जो कि आपकी जिंदगी में एक नई पहचान को लेकर के आएगा, एक नई पहचान को लेकर के आएगा। आमेन। हालेलुया मेरे प्रियो। जब दाऊद उस गोलियत से लड़ करके वापस आया, उसकी नई पहचान थी, उसकी नई पहचान थी, लोग उसको फर्क तरीके से देख रहे थे, उसका परिवार उसको फर्क तरीके से देख रहा था, और ना सिर्फ उसके ना सिर्फ लोग उसको फर्क तरीके से देख रहे थे, ना सिर्फ उसका परिवार फर्क तरीके से देख रहा था, पर उसका राजा जलन से भर करके उसको फर्क तरीके से देखने लगा, उसको फर्क तरीके से देखने लगा। परमेश्वर ने एक फर्क को लेकर के आए अपने लोगों के जीवन में, एक फर्क को लेकर आए, एक डिफरेंस को लेकर आए। जब गोलियत से लड़ करके विजय को प्राप्त करके दाऊद लौटता है, उसकी एक अलग पहचान थी,
उसकी अलग पहचान थी। जब डैनियल शेरों की मांस से बाहर आता है मेरे प्रिय, उसकी एक अलग पहचान थी, उसकी एक डिफरेंट पहचान थी। जब शद्रक मेशक अबेदनगो उस आग की भट्टी से बाहर निकल करके आए, उनकी एक अलग पहचान थी। जब मूसा 40 साल के बाद में मिस्र देश में लौटता है सामर्थ के साथ में, अधिकार के साथ में, मेरे प्रिय उसकी एक फर्क पहचान थी, उसकी एक डिफरेंट आइडेंटिटी। लोग उसको फर्क तरीके से देख रहे थे, लोग उसको एक फर्क नजरिए से देख रहे थे मेरे प्रिय। और वचन में ऐसा लिखा हुआ कि पूरे पूरे मिस्र देश में वो सबसे इंपॉर्टेंट जनता, सबसे महत्वपूर्ण जनता। कब? जब वो सामर्थ में और अधिकार में मूव कर रहा था, जब सामर्थ में अधिकार में मूव करते। परमेश्वर आपको सामर्थ से और अधिकार से भर देना मांगते हैं। क्यों? तब वो सामर्थ आएगी, जब वो अधिकार आएगा तभी नहीं पहचान आएगी, तभी नहीं पहचान आएगी, तभी दिख नहीं पाएगा यस ये रईस बाप का बेटा है, ये रईस बाप का बेटा है। जब वो 20-22 साल का लड़का उस बड़ी वाली कार में निकल करके आएगा, जब वो महंगे कपड़े पहने होगा, जब वो बड़े मोबाइल फोन को लेकर के एटीट्यूड के साथ में चलेगा, तभी लोग कहेंगे रईस बाप का बेटा है। तभी लोग कहेंगे, जब वो साइकिल से फटे पुराने कपड़ों के साथ में आएगा, बगैर मोबाइल फोन के, छोटे से फोन के साथ में, तब कोई नहीं कहने जा रहा है बड़े रईस बाप का बेटा है। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु आपको आशीष दें। हम जल्दी से कुछ और पदों को देखेंगे। लूकास का 10वां अध्याय और उसके 21 पद को देखेंगे, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। लूक चैप्टर 10 वर्स 21। मैं चाहूँगा बहुत ध्यान से मेरे साथ में यहाँ पे रहें, कुछ बड़ी विशेष बातों के ऊपर हम मनन करने जा रहे हैं। उसी घड़ी वो पवित्र आत्मा में होकर आनंद से भर गया जी, और कहा जी, हे पिता। नहीं, आप 17 वर्ष से आइए, 17 वर्ष से पढ़ेंगे। उसको क्या लिखा हुआ है? वे 70 आनंद करते हुए लौटे, और कहने लगे, हे प्रभु, तेरे नाम से, दुष्ट आत्मा भी हमारे वश में है। उसने उनसे कहा, दुष्ट आत्मा भी हमारे वश में है जी। उसने उनसे कहा, मैं शैतान को बिजली के समान स्वर्ग से गिरा हुआ देख रहा था। देखो मैंने तुम्हें सांपों, देखो मैंने तुमको सांपों और बिच्छों को रौंदने का और शत्रु की सारी सामर्थ पर अधिकार दिया है, और किसी वस्तु से तुम्हें कुछ हानि ना होगी, तुमको कोई हानि नहीं होगी। तो भी इससे आनंदित मत हो, तो भी इससे आनंदित मत हो कि कि आत्मा तुम्हारे वश में है, परंतु इससे आनंदित हो कि तुम्हारे नाम स्वर्ग पर लिखे हैं। उसी घड़ी वो पवित्र आत्मा में होकर, आनंद से भर गया, आनंद से भर गया। उसी घड़ी वो पवित्र आत्मा में होकर, आनंद से भर गया। घड़ी वो पवित्र आत्मा से, आत्मा में होकर आनंद से भर गया, आनंद से भर गया। उसी घड़ी, किस घड़ी, किस घड़ी वो बड़े आनंद से भर गया, जब वो 70 चेले जो थे, जब वो लौटते हैं और आनंद करते हुए लौटते, बड़े उत्साहित लौटते, प्रभु चंगाई हो रही थी, लंगड़े चल रहे थे, आंधे देख रहे थे, बीमार चंगे हो रहे थे, हो प्रभु बड़ा मजा आ रहा था, हम लोग के लिए प्रार्थना कर रहे थे और वो ठीक हो रहे थे, और ना सिर्फ लोग ठीक हो रहे थे, ना सिर्फ बीमारियां ठीक हो रही थी, प्रभु आपके नाम से तो दुष्ट आत्मा भी हमारे वश में, हमने आज्ञा दी और वो छोड़ करके जा रही थी। वो बड़े एक्साइटेड लौटते, और जब यीशु मसीह अपने चेलों को विजय के साथ में लौटते हुए देखते, जब यीशु अपने चेलों को उस सामर्थ और उस अधिकार में कार्य करते हुए वापस लौटते हुए आते हुए देखते, तब क्या हुआ यहां पे? यीशु बड़े आनंद के साथ में भर गए, राइट? क्या लिखा हुआ? यीशु बड़े आनंद से भर गया, आनंद से भर गया। कब बड़े आनंद से भर गया? कब बड़े आनंद से भर गया? क्या कहीं और आपने पढ़ा वचन में यीशु बड़े आनंद से भर गया? क्या कहीं और आपने पढ़ा? कहीं और नहीं लिखा है, पूरे वचन में कहीं और नहीं लिखा है कि यीशु या परमेश्वर बड़े आनंद से भर गए। बट दिस इज द ओनली प्लेस, ये सिर्फ ऐसी जगह है जहां पे हम पाते हैं कि यीशु बड़े आनंद के साथ में भर गया। हमें यह तो मालूम है यीशु कब रोया था। बचपन ही में सिखा दिया गया था संडे स्कूल में कि यीशु रोया, ये नहीं सिखाया गया कि यीशु किस समय बड़े आनंद से भर गया। ये मालूम है यीशु कब रोया, पर यीशु आनंद से कब भर गया ये नहीं सिखाया गया। यीशु बड़े आनंद से उससे भर गया जब उसने अपने चेलों को विजय के साथ में वापस लौटते हुए देखा, सामर्थ में मूव करते हुए, उस अधिकार में मूव करते हुए। जब वो वहां से लौटे तब उस समय क्या होता है? यीशु बड़े आनंद के साथ में भर गए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मेरा प्रियो, हम एक और पद को देखेंगे और 18वें पद को देखेंगे, यहां पे क्या लिखा हुआ है।
उसने उनसे कहा, मैं शैतान को बिजली के समान स्वर्ग से गिरा हुआ देख रहा था। किस समय शैतान को यीशु ने स्वर्ग से बिजली के समान गिरता हुआ देखा? किस समय यीशु ने देखा कि शैतान जो स्वर्ग से बिजली के समान नीचे गिर रहा है? जिस समय यीशु मसीह पैदा हुए तब यीशु ने कहा, मैं शैतान को बिजली के समान गिरता हुआ देख रहा हूं। जिस समय यीशु मसीह पहली बार मंदिर में गए थे तब यीशु ने कहा, नहीं, मैंने शैतान को बिजली के समान स्वर्ग से नीचे गिरते हुए देखा। जिस समय यीशु मसीह ने पहला मौजा किया था, पहला आश्चर्यकर्म किया था, तब उस समय उसने कहा, यस, आज मैंने देख लिया शैतान को आसमान से जमीन पर बिजली के समान गिरते हुए। जिस समय ढेर सारे लोग चंगाई को प्राप्त करते, भीड़ उसके ऊपर गिरी पड़ रही थी, भीड़ की भीड़ उसके पास में आ रही थी, सुबह से लेकर शाम तक की भीड़ उसके पास में बैठी रही थी और बड़े बड़े आश्चर्य कर्म कर रहा था, और वो बड़ी भीड़ से कहने लगा, आज मैंने देखा शैतान को ऊपर से नीचे बिजली के समान गिरते हुए। जब यीशु क्रूस के ऊपर लटका था, आज मैंने देखा शैतान को ऊपर से नीचे गिरते हुए। जब वो कब्र से बाहर आया, क्या तब उसने कहा, नहीं मेरे प्रिय, बिजली के समान शैतान को स्वर्ग से नीचे कब गिरते हुए देखा? कब गिरते हुए देखा? जब उसने देखा कि ये वो लोग जो शैतान के सताए हुए थे, ये वो लोग जो कि दुष्ट आत्मा के सताए हुए थे, आज ये दुष्ट आत्मा को निकाल करके लौटे हैं, आज ये दुष्ट आत्मा को निकाल करके लौटे, आज ये बीमारियों से विजय को प्राप्त करके लौटे। ना सिर्फ ये चंगे हुए हैं, पर इन्होंने प्रार्थना की, उस सामर्थ का इस्तेमाल किया, उस अधिकार का इस्तेमाल किया जो मैंने उनको दिया है, और जब इस सामर्थ का इस्तेमाल करके आज ये लौटे, तब शैतान उस पर से नीचे करके वो गिर गया। वो शैतान जिसने वो दुष्ट आत्माएं जिन्होंने हमको इतने साल परेशान करके रखा, जिन्होंने इतने साल हमको परेशान करके रखा, यीशु हमको सामर्थ देते हैं और अधिकार देते हैं कि हम उस सामर्थ में अधिकार मूव करें और उनको अपने बीच में से बाहर निकालें। और जब ऐसा होता है, शैतान आसमान से नीचे जमीन पे बिजली के समान गिरता है। क्या खूबसूरत उसके प्लान्स है, क्या खूबसूरत उसकी सोच है, जिस मनुष्य को शैतान ने दबा करके रखा, जिस मनुष्य को शैतान ने इतने साल अपनी गुलामी में रखा, दबा करके दुखों में, आंसुओं में, निराशा में, आंसुओं के साथ में, दुखों में परेशान रखा, प्रभु यीशु मसीह ने अपना बेटा बनाया, पिता ने अपना बेटा बनाया, और ना सिर्फ बेटा बना दिया उसने, पर हमको अपना संगी वारिस भी बना दिया, अपनी सामर्थ और अधिकार दिया, ताकि वो दुष्ट आत्माएं, वो शैतान जिसने हमको इतना परेशान करके रखा, यीशु के नाम से छोड़ करके जाने पाए, यीशु के नाम से छोड़ करके जाने पाए। उसने शैतान को बिजली के समान आसमान से जमीन पर गिरते हुए तब देखा, जब उसके लोग उस पहचान में खड़े हुए जो यीशु उनको देना चाहता है, जब उस पहचान में खड़े हुए जो यीशु उनको देना चाहता है, सिर्फ उस पहचान में नहीं जो वो चाहते, प्रभु चंगाई मिल जाए, छुटकारा मिल जाए, बस काफी है। और इस बात ने यीशु का दिन बड़े ही उत्साह से भर गया, बड़े आनंद से भर गया। जब बीमार आ रहे थे और चंगाई को प्राप्त कर रहे थे, वो बड़े उत्साह से भरा जा रहा था। नहीं मेरे प्रियो, जब आप चंगाई को प्राप्त करते हैं, जब आप छुटकारे को प्राप्त करते हैं, यस, परमेश्वर का दिल खुश होता है, परमेश्वर के लोगों का दिल खुश होता है, पर मेरे प्रियो, परमेश्वर का दिल आनंद से उस समय भरता है जब वो अपने बच्चों को उस सामर्थ में और अधिकार में मूव करते हुए देखता है, जब अपने बच्चों को उस सामर्थ में और अधिकार में मूव करते हुए देखता है। आप जानना चाहते हैं कि आपके खादिम किस समय खुश होते हैं? आप जानना चाहते हैं कि आपके पास्टर्स, आपके लीडर्स किस समय खुश होते हैं? उस समय नहीं मेरे प्रियो, जिस समय आपको चंगाई मिली, छुटकारा मिला। यस, वो बातें हमको खुश करती हैं कि आपने अपने अपने निराशाओं से बाहर निकले, आप अपने आंसुओं से बाहर निकले, आप अपने दुखों से बाहर निकले। यस, वो बातें हमको खुशी में लेके जाती हैं, पर रियल खुशी, असली खुशी परमेश्वर के लोगों को तब मिलती है, खादिमों को तब मिलती है, सेवकों को तब मिलती है, पास्टर्स और लीडर्स को तब मिलती है, जब वो उसके लोगों को परमेश्वर की पहचान में खड़ा हुआ देखते हैं, असली खुशी यीशु को कब मिलती है? असली खुशी परमेश्वर को कब मिलती है? तब नहीं मेरे प्रियो, जबकि आप चंगाई और छुटकारे को प्राप्त कर लेते हैं और आप ढेर सारी समस्याओं से बाहर निकल के आ जाते हैं। यस, वो चीजें आनंद से भरती है, वो चीजें खुश करती है, पर रियल खुशी तब आती है जब परमेश्वर आपको उस पहचान में खड़ा हुआ देखते हैं जो पहचान वो आपको देना चाहता है। ये मेरे बच्चे हैं, ये मेरे लोग हैं,
और मैंने उनको संसार से फर्क किया है, और मैंने उस डिस्टिंक्शन को पैदा किया है, मैंने उस फर्क को पैदा किया है जो कि इन लोगों में और संसार के लोगों में है। आपकी योजनाएं अच्छी हैं, आप जो सोचते हैं अच्छा सोचते हैं कि प्रभु जब कभी हमारे पास में दिक्कत हो हम दौड़ते हुए कूदते हुए भागते हुए बस यीशु आपके गोद में आ जाए, डरते हुए कहते प्रभु ये वाली दिक्कत है ठीक कर दीजिए, और आप कहें ओके ग्रांटेड और हम लेके चले जाएं, सब कुछ ठीक है। पर परमेश्वर की योजनाएं बेहतर है, परमेश्वर की योजनाएं उत्तम है, और वह चाहता है मेरे प्रियो कि आप उस सामर्थ्य में उस अधिकार में मूव करें और बड़ी विजय के साथ में आप लौटने पाए, क्योंकि वो बातें उस परमेश्वर को खुश करती है, वो बातें परमेश्वर को खुश करती है, और ये वो बातें हैं जो कि दुष्ट को आसमान से धरती पर गिरा देती है। वो जो आसमान की ऊंचाइयों में उड़ता है बड़े घमंड के साथ में उड़ता है, अगर आप उसको नीचे गिरता हुआ देखना चाहते तो वो तब होगा मेरे प्रियो जब आप उस पहचान में खड़े होंगे यीशु आपको देना चाहते हैं, वो पहचान में जब आप उस पहचान में खड़े होंगे तो यीशु आपको देना चाहते हैं। और मेरे प्रिय वो पहचान तब आएगी जब आप उस सामर्थ में और सिद्धकार में मूव करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। ये लो यहां पे एक और बड़ी खूबसूरत बात है, और वो ये कि उसने सही चुनाव किया, यीशु ने सही चुनाव किया, उसने उन लोगों को चुना जो कि उसके आज्ञाकारी हुए और आगे बढ़ गए, जो कुछ परमेश्वर ने कहा उस बात को लेके वो आगे बढ़ गए, और जब आगे बढ़ते हैं तो परमेश्वर के वायदों को अपनी जिंदगी में पूरा होते हुए देखते हैं। हालेलुया मेरे प्रियो, जो 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 चुनाव उसने आपके जीवन में किया है आप उसको सही ठहराएं, आप उसको सही ठहराएं। आप कहें प्रभु अगर आप मेरे वचन को अगर आप मेरे शब्द को सुन रहे हैं मेरे प्रियो, तो आप कहें प्रभु जो आपने चुनाव किया है हम उसको सही ठहराएंगे, हम उसको सही ठहराएंगे। आपने हमको छुटकारा देने के लिए, हमको पाप से नरक से मृत्यु से बचाने के लिए बहुत बड़ी कीमत को चुकाया है और बहुत बड़े दुख को सहा है, और प्रभु अब हम खड़े होंगे और जितना दुख आपको मिला था अब हम आपको इतनी खुशी देने जा रहे हैं, हम आपके हृदय को आनंदित करने जा रहे हैं। अब प्रभु हमारा जीवन जो है वो आपके हृदय को आनंदित करने जा रहे हैं, अब हम सामर्थ्य में और अधिकार में मूव करेंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यीशु ने जब चेलों की बातों को सुना, जब यीशु ने चेलों को बड़ी विजय के साथ में लौटते हुए देखा, उसके हृदय आनंद से भर गया, उसका हृदय आनंद से भर गया। किसी और बात ने यीशु के हृदय को बहुत आनंद से नहीं भरा, बहुत आनंद से नहीं भरा, सिर्फ एक बात ने यीशु के हृदय को बहुत आनंद के साथ में भरा, जब उसने अपने लोगों को उस पहचान में खड़ा हुआ देखा। आमेन, हालेलुया। God bless you, my dear friends. प्रभु आपको आशीष दें, और प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। प्रभु हम आपको धन्यवाद देते हैं आपकी योजनाओं के लिए और आपकी इच्छा के लिए। प्रभु आपकी सोच हमारी सोच से कहीं बड़ी है, आपकी कल्पनाएं हमारी कल्पनाओं से कहीं ऊंची हैं। प्रभु आपका दर्शन हमारे दर्शन से कहीं बड़ा है पिता परमेश्वर। हो प्रभु हमें बुद्धि दें, हमें समझ दें ताकि हम आपकी बातों को अपनी जिंदगी में समझ नहीं पाए, और हम समझ नहीं पाए प्रभु उन प्लान्स को जो कि आपने हमारे जीवन में बनाए प्रभु, वो तो बहुत ऊंचे हैं और वो बहुत बड़े हैं, और उन्हें पाए प्रभु कि हम आपकी बातों को अपनी जिंदगी में समझ नहीं पाए पिता परमेश्वर। प्रार्थना करना चाहते हैं प्रत्येक जन के लिए प्रभु जिसने कि आपके वचन को सुना है, हम चाहते हैं प्रभु कि उसका जीवन छुआ जाए और वो आज से अपने जीवन में आपको अपने पिता के रूप में स्वीकार करने पाए, और जैसे वो संसारिक पिता की तमाम बातों के ऊपर अपने अधिकार को रखते हैं वो आपकी चीज़ों को भी अपने जीवन में अधिकार के साथ में लेने पाए पिता परमेश्वर। ब्लेस करें, रण करें, सहायता करें खुदा हमारी ताकि हम आपकी पहचान में आगे गिर पड़ नहीं पाए। यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन एंड आमीन। हमारे खुदा यीशु मसीह का फजल और अब आपकी मोहब्बत पाकरों की रिफाकत और शराकत हमें सारे के साथ में अब से लेके हमेशा तक होती रहे। आमीन, आमीन, आमीन। गॉड ब्लेस यू माय डियर फ्रेंड्स, स्टे ब्लेस्ड। प्रभु आपका आशीष दें। जय मसीह की।